तो वेलकम टू DMLT यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ साकू सैनी। दोस्तों आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हो। दोस्तों आज पिछले कुछ दिनों से हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी और हेमेटोलॉजी पे कुछ 5 ईयर्स के क्वेश्चंस वगैरह है उन पे वीडियो बना रहे हैं। देन उनसे भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनसे उनको साथ में लेके क्वेश्चंस बना रहे हैं, जिसे जो MLT की एग्जाम होने वाली है 10 जून से 15 जून के बीच में, तो उन स्टूडेंटों के लिए क्वेश्चंस वेरी हार्मफुल क्वेश्चंस है, क्योंकि इन क्वेश्चंस से बाहर आपको एक भी क्वेश्चंस नहीं मिलेगा, आपको अदरवाइज कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन इन क्वेश्चंस की आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए एंड एग्जाम में अच्छे से एक्सप्लेन करके आना है। एंड क्या होता है कि जो क्वेश्चंस हैं इनसे बाहर आपको एक भी मार्क, एक भी क्वेश्चंस नहीं मिलेगा। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों। देन हमने अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जल्दी से जल्दी देख लीजिए। एंड इसके जो नोट्स वगैरह है PDF वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दी गई है टेलीग्राम, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। देन नोट्स वगैरह है PDF है अवेलेबल करवा लीजिए। एंड अगर आपके पास खुद के नोट्स हैं तो उनसे भी स्टडी कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी बहुत ही कम टाइम बचा है तो हमें अच्छे से स्टडी करनी है। देन फर्स्ट बार में ही पेपर क्लियर करने हैं। देन हम ये आज का वीडियो है वो एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी का है, जो 10 क्वेश्चंस हैं एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे बाहर आपको एक भी क्वेश्चंस नहीं मिलेगा। तो हम फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ड्रो लेबल डायग्राम ऑफ सेल, डिस्कस फंक्शंस ऑफ द सेल्स। तो इसके अंदर ये पूछा है कि ड्रो लेबल डायग्राम ऑफ सेल्स, हमें जो सेल होती है उसकी डायग्राम बनाना है, देन फिर उसको एक्सप्लेन करनी है। तो हम स्टार्ट में सेल्स का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, देन उसके फिर स्ट्रक्चर लिखेंगे, स्ट्रक्चर के अंदर उसका डायग्राम लिख देंगे, फिर उसके जो पार्ट्स हैं उनका वर्णन एक एक पार्ट्स लिखेंगे, देन फिर उसका अलग से डायग्राम बना के वर्णन एक्सप्लेन करेंगे, और फिर लास्ट में जाके हम क्या करेंगे, सेल्स के फंक्शंस लिख देंगे कि सेल्स के फंक्शंस क्या होते हैं। देन ये 10 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 20 नंबर का भी और 5 नंबर का भी। तो ये सेल का तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आपके पेपर में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं 5 नंबर में, 10 नंबर में, फिर 20 नंबर में बिल्कुल देखने को मिलेगा 100%। आप तो इसको अच्छे से याद करके जानी है सेल वाले क्वेश्चंस को। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द एनाटोमी ऑफ लंग्स एंड डिस्कस इन वेरीफाई द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्वेश्चन है। इसके अंदर पूछा है कि हमें लंग्स सेगमेंट या फिर लंग्स के बारे में कि लंग्स क्या होता है, इसके अंदर कितने लोब्स होते हैं, देन ये कितने, इसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, कितने हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। देन ये लंग्स की जो डायग्राम, पहले लंग्स का हम डायग्राम बनाएंगे, इसका इंट्रोडक्शन देंगे, देन फिर इसके हर एक पार्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लोब्स वगैरह जितने कुछ भी है सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देन इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि डिस्कस इन वेरीफाई द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है टू प्रोसेस होती है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन करनी होती है कि एक्सपिरेशन के अंदर क्या होता है, इंस्पिरेशन के अंदर क्या होता है। आपको हर चीज़ अच्छे से पॉइंट वाइज पॉइंट बनाकर देन उसके अंडरलाइन करके फिर करनी है, ताकि एग्जामिनर्स का जो सीधा ध्यान है वो हमारे पॉइंट्सों के ऊपर जाए, क्योंकि वो हमारी थ्योरी में क्या लिख रहे हैं कुछ भी नहीं देखता। देन एनाटोमी में हमें हर एक बात याद रखनी है कि हमें हर चीज़ डायग्राम के थ्रू शो करनी होती है, क्योंकि डायग्राम से काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द एनाटोमी ऑफ किडनी एंड डिस्कस अबाउट मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ये पूछा गया है हमें यूरिनरी सिस्टम से। इसके अंदर हमें एनाटोमी की जो किडनी होती है उसकी ग्रोस स्ट्रक्चर यानी फिजियोलॉजी एंड एनाटोमी के बारे में बतानी है, किडनी क्या होती है, देन इसका डायग्राम बनाना है, ये इसका वेट साइज सेफ ये सब अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, डायग्राम बनाना है, देन फिर इसके फंक्शंस क्या होते हैं वो बताने हैं, एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। देन ये 5 नंबर का या फिर 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो हमें यूरिन फॉर्मेशन की 3 फेज होती है, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, तीनों फेजों को हमें यूरिनरी फेज के अंदर। देन हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इन डिटेल्स विथ डायग्राम के थ्रू। तो ये क्वेश्चंस तो हार्ट वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 20 नंबर में भी पूछ सकता है एंड 5 नंबर में भी पूछ सकता है, हमें अच्छे से एक्सप्लेन करके जानी है, देन एक भी चीज़ इसके अंदर नहीं छोड़नी है। तो हमें पहले क्या करना है, हार्ट का छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखना है कि हार्ट क्या होता है, देन इसकी लोकेशन क्या होती है, कहाँ पर ये प्रजेंट होता है, इसकी सेज सेफ साइज डायोमीटर लेंथ विथ
विद जो भी है सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, फिर स्ट्रक्चर बनानी है, देन फिर इसके जो चैम्बर्स वगैरह है, वॉल है, वॉल चैम्बर, वॉल्व, लेयर्स, हर चीज़ को अच्छे से डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना, क्योंकि ये 20 नंबर में क्वेश्चंस 100% 20 या 5 नंबर में तो 100% ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, शॉर्ट नोट्स है कुछ। मेंस्ट्रुअल साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको 100% देखने को मिलेगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल हमें अच्छे से एक्सप्लेन करनी है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्यों है, देन इसको इसके 3 फेज होते हैं, मोनोपोज क्या होता है, देन इसको स्टार्ट होने को क्या बोलते हैं, ये जब बंद हो जाती है यानी स्टॉप हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, कब इसे ये स्टार्ट होती है, देन कि फीमेल के अंदर कब देखने को मिलती है, ये सब हमें अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। देन नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कितने पार्ट्स होते हैं, कितने कितने पार्ट्स को में इसको डिवाइड किया गया है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, बट 4 या 5 पेज भरने, इसके पेज तक एक्सप्लेन करना है इसको और डायग्राम के थ्रू करना है। डायग्राम तो हर एनाटोमी के अंदर, हर एक क्वेश्चंस के अंदर डायग्राम बनाना है कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं स्किन के बारे में, ये भी अच्छा है कि स्किन्स के बारे में हमें अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनक्रियाज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाइजेस्टिव सिस्टम का क्वेश्चन है पेनक्रियाज। यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम से एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लार्ज से मिल सकता है, स्मॉल से मिल सकता है, पेनक्रियाज से मिल सकता है, या फिर गैस्ट्रिक जूस से, स्टोमक से, कहीं ना कहीं से आपको जो ओसोफेगस होती है हमारी जो फूड पाइप होती है वहाँ से भी मिल सकता है, कहीं से ना कहीं से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। पेनक्रियाज को अच्छे से एक्सप्लेन करनी है डायग्राम बनाकर, 5 नंबर का सोर्स क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कनेक्टिव एक कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट, तो मैंने कहा था कि हार्ट वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देख लो इससे आपको 5 नंबर का क्वेश्चंस भी मिल रहा है, देन 20 नंबर का क्वेश्चन, एक ना क्वेश्चन 100% मिलेगा, आपको तो रट के ही जाना है हार्ट वाला टॉपिक, हार्ट वाला सिस्टम, तो कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट, हार्ट की कंडक्टिव सिस्टम बतानी है कि इसके ये कितनी होती है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, हमें हीमोग्लोबिन को अच्छे से एक्सप्लेन करनी है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रिफ्लेक्स आर्च के बारे में। रिफ्लेक्स आर्च वैसे कुछ खास नहीं है, बट अगर आ जाए तो हमें अच्छे से थोड़ा बहुत अच्छे से देखना है रिफ्लेक्स आर्च के बारे में। देन नेक्स्ट है स्केटल मसल्स के बारे में कि स्केटल मसल्स क्या होती है, कितनी होती है, कितने टाइप्स की होती है, डायग्राम के थ्रू बनाना है, तो हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, शॉर्ट नोट्स है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बोन एग्जामिल, बोन विथ एग्जामिनेशन एग्जाम्पल्स एंड मेंटेन द सेल्फ बोन फंक्शंस ऑफ बोन। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, बोन को एक्सप्लेन करना है कि डायग्राम के थ्रू बोन्स की, बोन को डायग्राम के थ्रू इसका इंट्रोडक्शन लिखना है, इसके जो टाइप्स होते हैं वो लिखने हैं, डायग्राम बनाना है, हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, एंड देन नेक्स्ट लास्ट में लिखना है बोन के फॉर्मेट फंक्शंस क्या होते हैं इनको, क्योंकि ये 10 नंबर में या फिर 20 नंबर में 100% पूछ सकता है, तो हमें बोन को अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, इसका डायग्राम बनाकर, देन इसके पार्ट्स वगैरह जो भी हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, क्या बोल रहा है, इसके अंदर 2 क्वेश्चंस पुट अप किए गए, एक तो पूछा गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इनसे एक ना एक आपको एक ना एक पूछेगा, या तो फिर मेल पूछ लेगा या फिर फीमेल पूछ लेगा, तो आप मेल और फीमेल दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन करके जानी है, अच्छे से चीज़ों को याद करना, क्योंकि इसका डायग्राम बनाना है, फिर इसके पार्ट्स बनाने हैं, कितने टाइप्स का होता है, एक्सटर्नल इंटरनल, फिर एक्सटर्नल के अंदर क्या चीज़ें आती है, इंटरनल के अंदर क्या आती है, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। देन मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर डिस्क्राइब द वेरीफाई द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ बीपी, बीपी के बारे में हमें बताना है कि बीपी क्या होती है, इसकी नॉर्मल बीपी क्या, नॉर्मल बीपी की रेंज क्या होती है, सिस्टोलिक क्या होता है, डायस्टोलिक क्या होती है, इसको कंट्रोल कैसे, कंट्रोल करने के टाइप्स क्या होते हैं, देन इसको जो वेरीफाई, हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करनी है बीपी के बारे में कि बीपी होती क्या है, नॉर्मल बीपी के बारे में, डायस्टोलिक, ये सब अच्छे से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं वॉट इज एंडोक्राइन सिस्टम, इट्स ग्लैंड एंड हॉर्मोन्स, तो हमें एंडोक्राइन सिस्टम है, इसके अंदर 3 क्वेश्चन पूछे गए, एंडोक्राइन सिस्टम को डिफाइन करना है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लैंड्स को और नेक्स्ट है हार्मोन्स को, तो हमें हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करनी है कि एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन बताना है, देन इसके जो पार्ट्स होते हैं एक्जोक्राइन एंडोक्राइन वगैरह, फिर इसके अंदर जो हॉर्मोन्स होते हैं वो बताने हैं, देन इसके जो
एंडोक्राइन्स के पार्ट्स वगैरह हैं वो बताने, इसके अंदर जो ग्लैंड्स हैं वो बताने हैं, ग्लैंडों से जो हॉर्मोन्स होते हैं वो बताने, देन एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जिसके ग्लैंड क्या होती है तो ग्लैंड को छोटा सा एक्सप्लेन करना है 5 नंबर्स का, देन हॉर्मोन्स क्या होता है, हॉर्मोन्स के टाइप्स वगैरह वो बताने हैं कि हॉर्मोन्स क्यों सीक्रेट होते हैं, कहाँ कहाँ से, ये सब बताने, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट नोट्स के अंदर नेफ्रोन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरिनरी सिस्टम से है नेफ्रोन के डायग्राम एंड इसके पार्ट्स हैं उसका अच्छे से एक्सप्लेन करना है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट बर्ड्स के बारे में कि टेस्ट बर्ड्स क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना है, देन है क्रेनियल नर्व के बारे में कि क्रेनियल नर्व क्या होती है, क्रेनियल नर्व के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉइंट्स के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जॉइंट कितने टाइप के होते हैं, हर एक जॉइंट को एग्जांपल के थ्रू एंड डायग्राम के थ्रू हमें अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस्ट्रिक, सॉरी ये टी है, गैस्ट्रिक जूस के बारे में कि गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, कहाँ से ये सीक्रेट होता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक्स है, तो मैंने कहा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम भी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो गैस्ट्रिक जूस भी अच्छे से एक्सप्लेन करना है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ लिम्फ, लिम्फ सिस्टम क्या होता है इसको बताना है, देन इसके जो कंपोजिशन होते हैं वो क्या है, देन इसके जो फंक्शंस हैं लिम्फ के, हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमिया के बारे में कि एनीमिया क्या होता है, एनीमिया को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, एनीमिया कितने टाइप का होता है, एनीमिया किस कंडीशन के कारण होता है, एनीमिया के अंदर हमें क्या क्या कंडीशन देखने को मिलती है, फिर इसके मेंटेन क्या होते हैं यानी इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इसके ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके जो केयर है वो हम कैसे कर सकते हैं, देन अच्छे से एक्सप्लेन करना है, यह पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड से आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इससे जो हार्मोन सीक्रेट होता है ग्रोथ हार्मोन GH उस वो भी इंपॉर्टेंट हार्मोन है, तो आप हर एक चीज़ को इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ज़्यादा वैसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पर कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप अच्छे से देख लेना, हम आई होप हमने वीडियो आपने आपको हर क्वेश्चंस अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो आप एग्जाम में अच्छे से एक्सप्लेन करके आओगे, अगर इसके नोट्स हैं आपके पास है तो उनसे पढ़िए, अच्छी बात है, अगर नहीं है तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से नोट्स अवेलेबल कर लीजिए क्योंकि एग्जाम का बहुत ही काफ़ी टाइम बचा है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू सो मच।